So ली खराब होगी तो बेसिकली उनकी डिग्रेडेशन उन कौन करता है आपका लाइसोजोम ठीक है सो so, लाइसोजोम को हम क्या बोलते हैं आपके सुसाइड बैग्स ठीक है क्या बोलते हैं हम इसको आपके सुसाइड बैग्स क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एसिड हाइड्रोलेसेस ठीक है क्योंकि इसके अंदर अलग-अलग टाइप अलग के एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली uh, कुछ प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं कुछ डीएनए को सम ऑफ देम आर डिग्रेडिंग योर आरएनए पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स सो दोस व्हिच डिग्रेड प्रोटींस ऑब्वियसली दोस आर नोन एज प्रोटीएसेस व्हिच बेसिकली डिग्रेड योर डीएनए दैट इज डीएनए इज आरएनए इज we have amylases and lipases so different type of uh, hydrolytic enzymes are present so basically if there is some mutation in the genes which encode these enzymes obviously when there is some mutation in the gene which are basically coding these enzymes obviously in that case you are that particular material will not degrade because jobibo material वो प्रोटीन है जैसे अगर इफ प्रोटीज इज नॉट नो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इफ डी एन एज नॉट नो डिग्रेडेशन एफ आर एन एज नॉट फंक्शनलिबल फॉर थर्टी डिफरेंट ह्यूमन जेनेटिक डिज एंड कलेक्टिवली कॉल दैम लाइसोजोमल स्टोरेज डिजीज उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं जो अनडिग्रेडेड मटीरियल है वो आपके इट विल स्टार्ट एक्मिलेटिंग विद इन द लाइसोजोम ऑफेड इंडिविजुअल्स जैसे हम ये दिखा यहां पर बेसिकली इन हम एसिड हाइड्रोले क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो आपके एंजाइम्स हैं दे आर बेसिकली एक्टिव एट पी एच सेवन ठीक है जैसे सराउंडिंग पी एच सेवन है बट लाइसोजोम के पी एच कितनी होनी चाहिए फाइव ठीक है एंड दिस एसिडिफिकेशन इज डन बाई वी टाइप एटी पेजिस ठीक है क्योंकि जितने हाइड्रोजन आइंस ज्यादा होंगे उतनी पीएच कम होती है ठीक है तो कौन से पेजेस होते हैं वी टाइप पेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोजोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोजोम तो ये वी टाइप एटी पेजेस होते हैं जो लाइसोजोम्स की क्या कराते हैं आपकी एसिडिफिकेशन ठीक है क्योंकि सराउंडिंग साइटोसोल की पीएच है दैट इज ग्रेटर देन देन दैट ऑफ लाइसोसोम एंड दिस बेसिकली जो ये पीएच कम हो रही है दैट इज बाय द एक्शन ऑफ वी टाइप एटी पेसेस ठीक है क्योंकि जो वी टाइप एटी पेसेस होते हैं दे आर बेसिकली आर प्रोटॉन पंप्स ठीक है ये कौन से आयंस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं आपका हाइड्रोजन आयन का ठीक है सो so, बेसिकली क्योंकि ये जो एसिड हाइड्रोलिजीज हैं अभी हम पढ़ेंगे अभी सही क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे ही एक्टिवेट एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं ठीक है क्योंकि अगर पीएच ज्यादा है फंक्शनल ठीक है सो so, बेसिकली जो लाइसोसोमल इंजाइम्स हैं ठीक है तो बहुत बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है दैट रिजल्ट फ्रॉम डेफिशियन सिंगल लाइसोसोमल इंजाइम ठीक है डिजीज वी हैव गोचर डिजीज सो इन गोचर डिजीज देर इज ए प्रॉब्लम basically in the gene which encodes enzyme glucocerebrosidase so if there is no formation of this particular enzyme then that will lead to basically accumulation of glycolipids because of mutation in the gene which encodes for this enzyme this enzyme will not be functional and that will lead to accumulation of glycolipids in one disease which is known as i cell disease

ठीक है, ज इज अ प्रॉब्लम इन फर्स्ट स्टेप इन टैगिंग ऑफ लाइसोजोमल पार्ट ही नहीं बनेंगे ठीक है? क्योंकि गोलजी के अंदर ये टैग जो है ये टैग ही बेसिकली डिसाइड करता है कि इस एंजाइम को लाइसोजोम का पार्ट बनना है ठीक है जैसे मान लो मैंने कह दिया ये आपका प्रोटीज है ठीक है तो प्रोटीएस तो है प्रोटीज के ऊपर टैग लगाना जरूरी है ठीक है अब मान लो ये भी प्रोटीज है बट अगर इसके ऊपर टैग नहीं है बिकॉज टैगिंग इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि ये लाइसोजोम का ही पार्ट बने ठीक है ना जैसे बाकी जो भी प्रोटीन्स होते हैं जो लाइसोजोम का पार्ट नहीं बनते हैं उन पर यह टैगिंग नहीं होती अगर मान लो अगर ये टैगिंग नहीं होगी देन बेसिकलीवन इवन इफ इट इज ए प्रोटीज लेकिन अगर इफ इट इज विदाउट टैगिंग इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ लाइसोजोम वो लाइसोजोम का पार्ट आपका नहीं बनेगा ज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल स्टडी कि लाइसोजोम बेसिकली बनता कैसे है सो एंडोसाइटोसिस एंड लाइसोजोम फॉर्मेशन ठीक है सो वन ऑफ द जो मेजर फंक्शन है लाइसोम का मेन काम क्या होता है कि जो भी मेटीरियल जैसे जो सेल के आउटसाइड से आया है ठीक है डाइजेशन ऑफ मेटीरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मीन्स इनटेक ऑफ समथिंग विच इज आउटसाइड ठीक है रोल ऑफ लाइसोजोम इन डाइजेशन ऑफ मटीरियल बट ऑल्सोर क्या होता है, कि बनता ही तब है जब मान लो जैसे कोई बैक्टीरिया है मान लो ये हमारे अंदर कोई सेल है जैसे फैगोसिटिक सेल्स होते हैं ठीक है और ये कोई ना कोई बेसिकली बैक्टीरिया है ठीक है जिसको मतलब एंगल्फ करके हमें इसको डिग्रेड करना है सो लाइसोजोम बेसिकली बनता ही तभी है जब ऐसा कुछ हो अदरवाइज सेल के अंदर लाइसोजोम नहीं बनतालीक्टीरिया को किसी किसी है कोई, कोई वायरस है या फंगस है उसे डिग्रेड करना है ठीक है अभी हम पढ़ेंगे लाइसोजोम कैसे बनते हैं ठीक है तो ये बेसिकली ट्रांसगोलजी नेटवर्क से एक वेसिकल आती है और वह एंडोजोम के साथ फ्यूज करती है ठीक है वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है तो वो चीज आपको भी डायग्राम से हम पढ़ेंगे वो सिर्फ तो आपको डायग्राम से ही क्लियर होगी कि कैसे लाइसोसोम बनता है ठीक है सो दिस इज द डायग्राम वी हैव अब इसको आप ध्यान से सुनना ठीक है कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इमेज में शो करें सो दिस इज समथिंग विच इज आउटसाइड सेल ठीक है जिसका हमें मान लो फैगोसाइटोसिस कराना है ठीक है सो so बेसिकली जो भी बेसिकली देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस वेसिकल जैसे ये वैसिकल है जैसे बाहर से कोई भी मटीरियल है जिसको इंगल्फ किया है ठीक है दिस इज एंडोसेटिक वेसिकल ठीक है मतलब इस वैसिकल के अंदर बेसिकली आपका क्या है देर इज समिंग लाइक की जो भी बैक्टीरिया है फंगस है या जिसको भी हमने डिग्रेड करना है ठीक है सो दिस इज योर एंडोसेटिक वेसिकल सो बेसिकली ये जो एंडोसेटिक वेसिकल है ठीक है पहले ये किसमें गर्वर्ट हो जाती है अर्ली एंडोजोम ठीक है क्या बनता है आपका अर्ली एंडोजोम ठीक है कि दैट इज बेसिकली नोन एज अर्ली एंडोजोम और बाकी जैसे होते हैं ना जो मेम्ब्रेन से कॉम्पोनेट्स आए हाँ थे क्योंकि ये जो vesicle है, ये membrane से बनिया है, तो basically जो जो है है से तो के होते हैं वो चले जाते हैं ठीक है सो so, अब दूसरा अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे की तरफ जैसे दिस इज गोल्ची ठीक है ये आपका गोल्ची अप्रेटस है ठीक है अब देखो यहां से एक बेसिकली वेसिकल है दिस इज वेसिकल कैरिंग एसिड हाइड्रोलेस ठीक है ना जैसे ये आपका यहां पर मैं यहाँ पर एंजाइम है ठीक है? है? मतलब है, है? तो है, है और उसके साथ यहाँ पर रिसेप्टर है ठीक है ये चीज शो कर रखी है और ये सेप्टर किस चीज का मैनोजिक्सफेट का ठीक है सो दिस इज दिस इज अ वेसिकल जो कि बेसिकली यहां से निकली विच इज कैरिंग यूर एसिड हाइड्रोलेस ठीक है एसिड हाइड्रोलेस ठीक है अब उसके बाद क्या होता है ये जो वेसिकल है मान लो ये जो वेसिकल है ये आपकी बेसिकली जैसे ये पहले अर्ली एंडोजोम होता है फिर उससे क्या बनता है लेट एंड ठीक है अर्ली एंडोजोम के बाद क्या बनता है लेट एंडोजोम वो भी हम पढ़ेंगे कि अर्ली और लेट एंडोजोम में क्या फर्क होता है सो दिस इज कैरिंग योर बेसिकली जिसका हमें डिग्रेडेशन कराना है इस वेसिकल के अंदर वो मटीरियल है जिसे हमें डिग्रेड कराना है एंड दिस वेसिकल जो कि बेसिकली कहां से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से इट इज कैरिंग द एसिड हाइड्रोलेसिस इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस ठीक है सो so बेसिकली होता क्या है यहाँ पर जैसे जो अर्ली एंडोजोम बेसिकली जो <coughs> उसकी जो पीएच होती है ठीक है उसकी पीएच जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होती है सो बेसिकली ड्यूरिंग मैचुरेशन जब भी अर्ली से लेट एंडोजोम बन रहा है तो पी जो होती है इसकी फाइव फाइव हो जाती है ठीक है बेसिकली यह जो कह रहे हैं ना कि हम एंडोजोम मेच्योर हो रहे हैं सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग एंडोजोम मेच्योरेशन इज टू बेसिकली बेसिकली ये जो पीएच हमने कहा कि कितनी करनी है फाइव पॉइंट फाइव सो वाई दिस डिक्रीज इन पी एच इज इंपोर्टेंट क्योंकि क्या होता है कि जो ये बेसिकली रिसेप्टर के साथ एंजाइम लगा हुआ है ठीक है बेसिकली जैसे मान लो ये आपका रिसेप्टर है साथ में एंजाइम है ठीक है वो रिसेप्टर और एंजाइम डिसोसिएटी किस पी एच पे होते हैं फाइव पॉइंट फाइव पे ठीक है ना जैसे मान लो कि बेसिकली मान लो ये आपका लेट एंडोजोम के साथ क्या फ्यूज कर गया ठीक है जैसे इसको अगर हम मैं आपको ऐसे शो करूं कि जैसे मान लो लेट एंडोजोम था और उसके साथ जो वेसिकल है वो फ्यूज कर गई ठीक है मतलब ये आपके पास सिचुएशन है ठीक है मतलब ये मटेरियल है मान लो जिसको हमें डिग्रेड करना है ठीक है और दूसरा बेसिकली क्या है यहाँ पर कि जो एंजाइम है ठीक है जैसे मान लो ये आपका यहाँ पर ये रिसेप्टर है और ये इसके साथ जो ऑब्वियसली रिसेप्टर किसके लिए मैनोसिक्सिट के लिए ठीक है और ये आपका एंजाइम है ठीक है तो इस एंजाइम ने डिग्रेड करना है जब तक रिसेप्टर और एंजाइम एक साथ है तब तक एंजाइम काम नहीं करता ठीक है लेकिन क्या होता है एट पी एच फाइव पॉइंट पे रिसेप्टर से एंजाइम अलग हो जाता है ठीक है दैट इज वाई मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना अर्ली से लेट एंड बन रहा है तो ये पीएच कम होना जरूरी है ठीक है ना क्योंकि इसी पीएच पे ये अलग हो गया आप अब जो बेसिकली आप देख सकते हो रिसाइकलिंग ऑफ रिसेप्टर फिर जो रिसेप्टर है वो वापिस ट्रांसगोल नेटवर्क के पास ही आ जाता है ठीक है और बेसिकली जब ये सब कुछ हो गया तो दिस इज योर जिसको डिग्रेड करना है और ये आपके एसिड हाइड्रोलिजिस ये मिलके क्या बन गया लाइसोजोम ठीक है मतलब लाइसोजोम क्या है मतलब पहले से लाइसोजोम प्रेजेंट नहीं होता जैसे हम कहते हैं ना सेल्स के अंदर लाइसोजोम होता है पहले नहीं है जैसे ही जैसे ही मान लो किसी चीज को डिग्रेड करना है तो पहले एक एंडोसेटिक वेसिकल बनी उसे बोल देते हैं आपका अर्ली है अर्ली पीएच कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे इसकी pH जो है 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 हमने कह दिया ठीक सो बेसिकली तो पीएच कम होना जरूरी है पीएच कम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंजाइम जो कहाँ से आया है क्योंकि एंजाइम के साथ रिसेप्टर भी आया है ठीक है जो यहां से वेसिकल आई है आपकी इससे ट्रांसगोलजी नेटवर्क से ठीक है सो बेसिकली जो ट्रांसगोलजी नेटवर्क से जो आपकी वेसिकल आई है ठीक है तो बेसिकली उस उस वेसिकल के अंदर रिसेप्टर और एंजाइम एक साथ है ठीक है तो एट दिस पी एच फाइव ठीक है इस पीएच के ऊपर ही आपका जो रिसेप्टर है वो एंजाइम से अलग होता है और जो रिसेप्टर है वो वापस आ जाता है ठीक है और ये बेसिकली जो वेसिकल आई थी यहां से प्लस जो आपका लेट एंडोजोम ठीक है फिर अल्टीमेटली वो मिलके क्या बना देते हैं आपका लाइसोजोम ठीक है तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये पीएच लोअरिंग ना हो ये जो हम कह रहे हैं कि जब मैचुरेशन हो रही है एंडोजो की अगर ये पीएच कम नहीं होगी तो बेसिकली एंजाइम और रिसेप्टर एक साथ रहेंगे और एंजाइम विल नॉट बी एबल टू फंक्शन ठीक है क्योंकि एंजाइम तभी काम करेगा जब वो रिसेप्टर से डिसोसिएट होगा एंड दिस इज अन पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि एंजाइम रिसेप्टर से तभी डिसोसिएट होगा जब पीएच आपकी कितनी होगी फाइव पॉइंट फाइव

बाहर की पीएच सेवन पॉइंट टू है जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है, द डबल प्रोटेक्शन मान लो लाइसोसोम के जो प्रोटीन्स हैं जो उसके अंदर लाइसोसोम uh, के जो भी बेसिकली एंजाइम्स हैं जो भी हाइड्रोलेसिज हैं अगर मान लो वो लीक होकर बाहर साइटोसोल में भी आ जाए भी साइटोसोल के किसी भी पार्ट कोई इफेक्ट को नहीं पड़ने वाला क्योंकि बेसिकली एट दिस पी एच सेवन पॉइंट टू पे वो इनएक्टिव हो जाएंगे आपके ठीक है सो so ये जैसे अभी हमने पढ़ा कि बेसिकली हम एसिडिक इंटरनल एनवायरमेंट को एसिडिक को कैसे बनाते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर हाइड्रोजन आइंस जाने चाहिए तो देर इज ए प्रोटोन पंप जो मैंने आपको पहले भी बताया वी टाइप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली जिससे हाइड्रोजन आइंस ज्यादा होंगे और जितने हाइड्रोजन आइन्स ज्यादा होंगे

मतलब दैट इज थ्रू ए सिक्रिटरी पाथवे एंड द पाथवे पाथवे ठीक है एंडोसे बेसिकली आपके जो भी मटेरियल है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स वो अंदर आए हैं और जो एक तरह से लाइसोमल प्रोटीन्स को कौन कैरी कर रहा है दर इज ए वेसिकल जो कि बेसिकली ट्रांसकोल्जी नेटवर्क से डिराइव हुई है ठीक है मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द सेल इज टेकन बाय क्लेथ्रीन कोटेड एंडोसेटिक वेसिकल ये भी पॉइंट आपने याद रखना है जैसे हमने पहले पढ़ी भी थी जैसे कोप टू की कोटिंग होती है कोप वन की कोटिंग होती है तो वहां पर क्लेथरीन भी था तो जो वेसिकल्स सेल की मेमब्रेन से बनकर आती हैं उनके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है क्लेथरीन की कोटिंग होती है ठीक है क्लेथरीन कोटेड एंडोसिटिक वेसिकल्स सो मेम्ब्रेन कॉम्पोनेंट जैसे हमने डायग्राम में देखा वो दे आर रिसाइकल्ड बैक ठीक है ये जैसे यहां पर हमने देखा था इमेज के अंदर ये जो कॉम्पोनेट सेल मेंब्रेन से आते हैं उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है ठीक है एंड दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन करा वन ऑफ द ठीक है बेसिकली जैसे ये लिखा है ना कि अर्ली एंडोजोम से लेट एंडोजोम बनते हैं जिससे फिर बनता है इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग एंडोजोम मैचुरेशन इज द लोअरिंग ऑफ इंटरनल पी एच टू अबाउट फाइव पॉइंट फाइव ठीक है क्योंकि ये पी एच फाइव पॉइंट फाइव होना जरूरी है क्योंकि तभी जो एसिड हाइड्रोलेज है जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क हैं वो डिलीवर होते हैं ठीक है वही मैंने आपको बताया कि जैसे रिसेप्टर है रिसेप्टर किसके लिए मैनोसिक्स फॉसफिट के लिए ठीक है और ये आपका एंजाइम है तो ये एसोसिएटेड है लेकिन जैसे पी एच फाइव पॉइंट फाइव होती है तो रिसेप्टर अलग हो जाता है और एंजाइम आपका अलग हो जाता है ठीक है तो दिस पी एच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ एसिड हाइड्रोलिस और ये जो आपका रिसेप्टर है दैट विल बी रिसाइकल्ड बैक रिसेप्टर विल बी रिसाइकल्ड बैक रिसाइकल बैक टू ट्रांसगोल्जी नेटवर्क ट्रांसगोल्जी नेटवर्क ये जो रिसेप्टर है दैट विल बी रिसाइकल बैक ठीक है जो हमने इमेज में देखा आपके ठीक है सो दिस पी एच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर ये पीएच जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन भी आ जाए कि अगर ये पी एच फाइव पॉइंट फाइव नहीं होती है ठीक है तो बेसिकली रिसेप्टर और एनजाइम एक साथ ही रहेंगे और जब एक साथ रहेंगे तो योर एनजाइम विल नॉट बी फंक्शनल जो पहले मैंने आपको बताया जिसको रिसेप्टर रेकनाइज करता है और ये वेसिकल्स जो ट्रांसगोल नेटवर्क से भी आती है इनपे भी क्लेथरिन की कोटिंग होती है ठीक है तो जो वेसिकल सेल की मेम्ब्रेन से आ रही है उस पर भी क्लेथरिन की कोटिंग है और जो सी वेसिकल ट्रांसगोल नेटवर्क से आ रही है उसके ऊपर भी क्लेथ्रन की कोटिंग है ठीक है सो आफ्टर रिमूवल जो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये लेट एंडोजोम के साथ फ्यूज करती हैं और जैसे ही एसिडिक इंटरनल पीएच होती है दैट कोजिज द हाइड्रोलेज टू डिसोसिएट फ्रॉम रिसेप्टर ठीक है तो जैसे ही पीएच आपकी क्या होती है एसिडिक होती है तो उस पी पे आपका जो रिसेप्टर और एंजाइम डिसोसिएट हो जाते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया एंड हाइड्रोलेजिस जो है फिर वो ल्यूमन में चले गए एंड वाइल द रिसेप्टर रिमेन इन द मैमब्रेन और वो वापिस कहाँ पर आ जाते हैं गोलजी के पास लेट एंडोजोम फिर किसमें चोर हो जाते हैं लाइसोजोम के अंदर क्योंकि उनके अंदर एसिड हाइड्रोलेजिस हैं और वो उन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे जिसको सेल ने एंडोसाइटोस से अपने अंदर लिया था ठीक है तो मेन जो इसके अंदर है वो यही चीज कि आपको बेसिकली जो हमने ये पढ़ा ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि वट इज बेसिकली है

बाहर uh, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको एंगल्फ करते हैं ठीक है तो उसको कर लिया, उसके बाद बेसिकली एक एक तरह से सिग्नल आता है कि हमें मतलब सेल को उस चीज को डिग्रेड करना है देन वेसिकल विल ड्राइव फ्रॉम ट्रांसगोल नेटवर्क विच इज कैरिंग याइड्रोलेजिस दैट वेसिकल विल फ्यूज विदोजोम एंड अल्टीमेटलीट लाइसोजोम